हेलो आज सभी को जय मसीह की उपवास प्रार्थना में आपका स्वागत है। आज वो प्रार्थना है जिस प्रार्थना की जरूरत आपको हम सबको है और ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। इस प्रार्थना से ही हमें सब कुछ मिलेगा। ये वो प्रार्थना है। आंखें बंद प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता आज की इस प्रार्थना के द्वारा। जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो पिता आपका आंसर आना चाहिए और आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। पिता उपवास प्रार्थना में सबको अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो उपवास प्रार्थना है और बिल्कुल अब कुछ दिन बाकी है, समथिंग एक हफ्ता, और उसके बाद हमारे पास खत्म हो जाएंगे, 40 कंप्लीट हो जाएंगे 6 मार्च को। उसके बाद मेरे फोन और व्हाट्सएप खुल जाएंगे और फिर जो परमेश्वर मुझसे रखवाएंगे अगले उपास, क्योंकि ये 100 उपास में से 40 रखवाए थे जो अभी चल रहे, उसके बाद देखते हैं प्रभु कब बोलते हैं। 100 नाइट प्रेयर भी है और 100 टाइम बाइबल पढ़ना है, नया नियम। ये सारे काम प्रभु ने 2023 के लिए बताया है, तो ये करना जरूरी है ताकि हमारा जीवन आत्मिक हो सके और हमारी लाइफ से हर परेशान दूर हो सके। आज जो प्रभु ने वचन दिया है वही वचन है, वही प्रार्थना है, और ये प्रार्थना हमें बहुत जरूरत थी। इस प्रार्थना के द्वारा आज आपकी लाइफ चेंज होना बिल्कुल जरूरी है, ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ। आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन जो मैं बोलूं पढ़ूं और ये सुने तो पिता आज इनके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हम सबको उद्धार करना। ये वचन हमारे जीवन में प्रतिफल के साथ आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन है पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 10वां वचन। पहला इतिहास 4:10, बिल्कुल सही कहा आपने, ये याबेस की प्रार्थना है और इसी प्रार्थना को हम और आप आज करेंगे और इसी प्रार्थना का उत्तर करते के साथ ही आएगा और ये बात बिल्कुल तय है। वचन है पहला इतिहास 4:10। याबेस ने इसराइल के परमेश्वर से ये कहकर प्रार्थना पुकारा प्रार्थना करी। प्रार्थना का मतलब होता है आवाज देना, पुकारना, अपनी बातें कहना। हालेलुया। याबेस ने इसराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता, भला होता कि तू मुझे आशीष देता। हालेलुया। सचमुच देता, वो झूठी आशीष नहीं चाहिए हमें, परमेश्वर की सचमुच आशीष चाहिए, वो आशीष जो हमें देखे। आज हो सकता है कि आप प्रभु में आ रहे हो लेकिन आप ये बोल रहे हो कि नहीं मैं आशीषित हूं, नहीं मैं प्रभु का हूं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन वो एक जैनमल जो आशीष होनी चाहिए वो अभी कहीं नहीं दिख रही, चंगाई नहीं दिख रही, संतान नहीं दिख रही। ठीक है आप प्रभु की बड़ाई कर रहे हो लेकिन लोग कह रहे हैं भाई वो आशीष कहाँ है, तू इतने साल से चर्च जा रहा है, इतनी प्रार्थना कर रहा है, उपवास रख रहा है, उपवास रख रही है, वो कहाँ है, वो प्रतिफल कहाँ है। आप उनको जवाब देते हो लेकिन आप सच ये कह रहे हो कि प्रभु अगर सच में आशीष होती तो ये लोग देखते। तो याबेस कहता है परमेश्वर तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। देश का मतलब हो गया जहां हम रहते हैं, हमारा देश, हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय, हमारा कुटुंब, बढ़ाने वाला, फलवंत करने वाला। हालेलुया। आज हो सकता है फलवंत नहीं हो रहे हो सकता है कि आपकी शादी हो लेकिन संतान नहीं हो पा रही हो सकता है शादी नहीं हो पा रही हो या आपका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा, आपकी प्रमोशन नहीं बढ़ पा रही, कुछ नहीं बढ़ पा रहा। तो वचन कहता है और मेरा देश बढ़ाता, ये प्रार्थना कर रहा है, ये हम और प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। परमेश्वर का हाथ जब हमारे साथ है तो कोई भी विरोधी हाथ हमारे बीच में नहीं आ सकता, शैतान का हाथ, धोखे का हाथ हमारे बीच में नहीं आ सकता। आज हो सकता है कि बहुत सारे हाथ तो आपके साथ है लेकिन उसमें कोई हेल्प नहीं है, बल्कि चीट है, धोखा है, फरेब है। ये वचन कहता है, याबेस कहता है कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं से पीड़ित ना होता। आज बुराई देख देख के आपका मन दुखित हो रहा, बच्चों की बुराई, अपने घर की बुराई, अपने आप में बुराई, ये बुराई देखते हैं हम, हमारा घर सही नहीं हो रहा, ये बुराई है। और याबेस हमेशा से अपने आप में देखता था, लोग ताने मारते थे और आज बड़ा दर्द बता रहा है। आज बहुत लोग हैं जो दुखी परेशान है, ये सारी प्रार्थना इसी प्रार्थना की जरूरत थी जो याबेस ने कहा। और अब देखो पीड़ित ना होता और जो कुछ उसने मांगा, मांग रहा है प्रार्थना, मतलब मांगना, पुकारना। आज हमने जो कुछ मांगा अपने संतान के लिए, बच्चों के लिए, शादी के लिए, नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने आप के लिए, स्पिरिचुअल वरदान के लिए, जो मांगा है आज आपने, जो मांगा है और जो उसने, जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। प्रेज द आज परमेश्वर खाली नहीं भेजेगा। ये याबेस की प्रार्थना है, ये हमारी प्रार्थना है। जो भी आप मांग रहे हो, याबेस ने जैसी प्रार्थना करी वैसे हमने करी, लेकिन आपने और जो प्रार्थना करी है, आज एजुकेशन करी है, एग्जाम के लिए करी है, या संतान के लिए करी है, व्यवसाय के लिए करी है, बाहर जाने के लिए करी है, इस पर जो वरदान के लिए करी है, उद्धार पाने के लिए, जो भी आपने मांगा, जो कुछ आपने मांगा है आज वो आपको मिल गया, देखा है। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर से दिया, परमेश्वर से दिया। आज परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहे हैं और हम जिस बात से परेशान है, जिस बात से डिप्रेशन में, जिस बात से चिंता में, जिस बात से हम
तंग आ गए हैं, वो सारी चीज आज नॉर्मल हो जाएगी, सब हट जाएगा जो हमें चिंता परेशान डालने वाला है, जिसे विश्वास से बोले आमीन। आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, आज ये प्रार्थना हमने करी और आपने हमने जो मांगा आज आपने हमें दिया, मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ, रिसीव करता हूँ उस प्रार्थना को। हम मिलकर सब इसी प्रार्थना को पिता हमने करा है और जो कुछ हमने मांगा है और आपने हमें दिया है, यह हमने विश्वास कर लिया है, वो हमारे जीवन में आ चुका है, हमारी जिंदगी में आ चुका है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। देने के लिए धन्यवाद और इस सारी आशीष के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। हमने जो कुछ मांगा वो पा लिया है और इसी प्रार्थना के साथ आप गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।